बिल्कुल, आप देखें कि सात दिहाने से भी ऊपर हो गया है कि कश्मीर के जो अवाम हैं वो ये चाहते हैं कि उनको उनका बुनियादी ये एक हक होता है इंसान का कि वो जो दुनिया में आया है उसको बात कहने की आज़ादी हो, अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी हो। कश्मीरी क्या चाहते हैं? कश्मीरी अवाम ये चाहते हैं कि उनको उनका हक खुद इरादियत दिया जाए, वो ये फैसला करें कि वो अपने मुस्तकिल में क्या चाहते हैं, और ये उनका बिल्कुल जायज़ हक है। और उनके इस जायज़ हक को मनवाने के लिए पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की मुसल्ह अफवाज उनके शाना बशाना खड़ी है, और जब तक उनको उनका हक खुद इरादियत नहीं मिलता हम चैन से नहीं बैठे। कोई नज़रिया है जिसके लिए पाकिस्तान हमारे से मजबूत में आया, तो आज आप देखें कि कश्मीर का जो है एजेंडा वो हम समझते हैं कि जो पाकिस्तान की आज़ादी का एजेंडा था, जब तक कश्मीर आज़ादी नहीं मिल जाती हो ना, बाद में अपनी तकरीर में ये कहा था कि मैं कश्मीर के अवाम का जो है वो सफ़ीर हूँ और मैं उनकी भरपूर सफारतकारी करूँगा, और अकवामे मुत्तहिदा के जो इजलास में उन्होंने जिस तरह से कश्मीर के लोगों की तर्जुमानी की और जिस तरह से एक बहुत ही मुतासर तकरीर की, इसको कि सारी दुनिया ने सराहा। और ये है कि आज आप देखेंगे कश्मीर का मसला बैन अकवामी तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा उजागर हो गया है। आज आप देखें सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि सारी वो कम्यूनिटीज़, सारे वो लोग, चाहे वो क्रिश्चियन हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो हिंदू हैं, भिखारी हैं, थिंक टैंक्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो ये समझते हैं कि कश्मीर के लोग हैं उनके साथ साल हर साल से बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो।